तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि अब तो कहीं खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पे भी डर लगता है। दरअसल मुंबई के बांद्रा में शनिवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस मामले को लेकर सियासत गर्म है और सियासी दल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। इसी के साथ जब मीडिया ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर उनसे सवाल किया तो अखिलेश यादव योगी सरकार पर भी बरस पड़े। उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा कि जब जेड प्लस और वाई प्लस सुरक्षा में हत्या हो जा रही है तो अब तो कहीं भी खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। हजारों लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में उमड़ती है, ऐसे में उनकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। किसी पर अगर वाई कैटेगरी, सी कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियाँ खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हों और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। अब अखिलेश यादव के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। वही अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सपा नेता आईपी सिंह ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता अखिलेश यादव जी की एनर्जी सुरक्षा केंद्र सरकार तत्काल बहाल करे। हजारों लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में उमड़ती है, ऐसे में उनकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा कि जेड प्लस वाई प्लस सुरक्षा में हत्या हो जा रही है तो अब कहीं भी खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पर डर लगता है। आज प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी जान को भी खतरा जताया। वही अखिलेश यादव ने बहराइच की घटना को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए हमला बोला है। ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी, शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई।